हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव मेड एनी वीडियो और आप लोगों के साथ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया हो। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे NIW जो कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम है ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के लिए US के लिए। NIW प्रोग्राम आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी, लेकिन जो लोग इमिग्रेशन या मूविंग आउट ऑफ द कंट्री उस चीज़ को सर्च करते रहते हैं उन्हें थोड़ा सा इसके बारे में इल्म होगा। NIW या नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम ये अमेरिका का ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन का एक ऐसा प्रोग्राम है जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ रखते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक एजुकेशन, रिसर्च, साइंस और अदर वॉक्स ऑफ लाइफ के लिए। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती और ना ही आपको डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ये बहुत ही फास्ट पेस और फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है US का। मैंने खुद इसके ऊपर अप्लाई किया है और मैं खुद मतलब कि NIW प्रोग्राम के तहत दोबारा अमेरिका वापस आया हूँ और तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। US से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पाकिस्तान वापस चला गया, वहाँ पर 2 साल रहा और उसी दौरान अभी जो स्टार्ट के कुछ मंथ्स थे तो चूँकि कोविड आ चुका था और हर चीज़ जो थी वो शट डाउन थी, मैं भी अभी जॉबलेस ही था लेकिन जॉब की सर्च चल रही थी। तो इसी असना में मुझे NIW प्रोग्राम का अपने दोस्त के या हमारे जो सीनियर्स थे अमेरिका में उनसे एक मरतबा बात करते हुए पता चला। उससे पहले मुझे इसका कथन कोई आइडिया नहीं था, तो जब उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताया तो मेरे अंदर भी एक जस्ट पैदा हुई कि हाँ भाई इसको चेक किया जाए, कोई अच्छी चीज़ लगती है। और वैसे भी हम पाकिस्तान में फारगी थे तो थोड़ा सा सर्च किया और मुझे बड़ी एक मज़ेदार चीज़ लगी। मैंने कहा कि अच्छा प्रोग्राम है और एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए बनाया है और मेरे पास चूँकि ऑलरेडी US की डिग्री है और PhD है तो चांस हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त अभी चूँकि मैं फ्रेश ग्रेजुएट था तो मेरी इतनी कुछ ज़्यादा पब्लिकेशंस भी नहीं थी और साइटेशंस भी नहीं थी, ये एक डाउट था मेरे लिए। लेकिन मुझे एक अटॉर्नी थे उनके बारे में पता चला उन्हीं दोस्त के तवसत से, तो वो उन्होंने बताया कि वो फ्री एवेल्यूशन कर देते हैं आपकी CV की कि आप एलिजिबल हैं उस प्रोग्राम के लिए या नहीं। तो उसके बाद वो जो इमिग्रेशन फर्म थी मैंने उनको सर्च किया और उनकी वेबसाइट देखी तो वेरी इजी टू फॉलो और मैंने उसी वक्त CV अपनी तैयार थी और जो उस वक्त ग्रेजुएशन के बाद हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे मैंने वही CV अपलोड कर दी कि इट्स फॉर फ्री इवेल्यूएशन के लिए। तो अगले दिन ही उनका प्रॉम्प्ट रिस्पांस आ गया, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका का टाइम का डिफरेंस है, मैंने रात को की सुबह उठा था तो वो रिस्पांस आया हुआ था। उस वक्त गालिबन मेरी साइटेशंस जो थी वो 18 थी अभी, जो कि आटे में नमक के बराबर भी शायद नहीं है। तो मुझे इसलिए डाउट था कि अभी रीसेंट ग्रेजुएट थे, कोई इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस भी नहीं थी, हाँ लेकिन आगे स्कोप था अच्छा कि हम रिसर्च जो है वो US में अच्छी कर सकते हैं। रिस्पांस आया उनका और वो बड़ा पॉजिटिव था और उन्होंने अपना सारा जो प्लान था वो रोड मैप अपना उसमें बताया हुआ था और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ प्रोसीड करना चाहते हैं तो वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अब हमारे लिए भी कुछ करने को था नहीं उस वक्त, पाकिस्तान में फारिग बैठे हुए थे, तो हमने कहा चलो करते हैं इसके ऊपर काम। तो ये बात है 2020 जुलाई, और मैं टाइम फ्रेम इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई रिलेट करना चाहे या जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो वो उस चीज़ को देख सकते हैं या समझ सकते हैं। खैर, उन्होंने एक पेमेंट प्लान बताया और उन्होंने मनी बैक गारंटी दी, तो हमने भी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी हमारे पास तो मैंने अप्लाई कर लिया, अपनी वाइफ से डिस्कस किया और उसको एतमाद में लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको फॉलोअप करते हैं। जुलाई 2020 से ही हमारा प्रोसेस शुरू हो गया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरा केस बनाया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर चीज़ पे, हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे जो है वो मुझे गाइड किया। उनको जो जो चीज़ की ज़रूरत थी वो मुझे बताते थे, टाइमली अपडेट करते थे, मैं वो चीज़ जो था उसके लिए उनको मैनेज कर देता था। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड आपको कोई जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाए कहीं से, तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं आपको अपने जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के वहाँ से ले देता हूँ। और मैं चूँकि अभी फ्रेश ग्रेजुएट था तो मेरे लिए वो कॉरेस्पॉन्डिंग करना और सारा कम्युनिकेशन करना वो सारा बहुत ज़्यादा भी आसान था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई और किसी प्रोजेक्ट में मेजर आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं तो उसका कोई लेटर मिल जाए, और फिर वो मैंने अपने प्रोफेसर से लेके दिया। और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स की बारी आई तो उन्होंने मुझे एक 10 रिव्यूअर्स की लिस्ट मांगी, मैंने 10 उनको दे दिए, उन्होंने बीच में से 4 जो थे उनको सिलेक्ट किया
और मैंने बड़े बड़े नाम लिखे हुए थे, लेकिन अब उनका चूँकि एक्सपीरियंस है तो मैंने उनसे कोई आर्ग्यू नहीं किया कि आपने ये नाम क्यों सिलेक्ट किया, ये नाम क्यों नहीं सिलेक्ट किया। जो उन्होंने कहा मैंने उन लोगों से कॉरेस्पॉन्ड कर लिया कि मुझे इस तरह मतलब कि आपका लेटर चाहिए। तो लेकिन लेटर जो है वो मेरी, मैंने एक फर्म जो है उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ तो वो मुझे लिख के देंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि थोड़े से पैसे इस पे लग जाते हैं, और अभी जो मेरे दोस्त पाकिस्तान में या अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में सुन रहे हैं अमेरिका के लिए अप्लाई करने के लिए, चूँकि डॉलर वक्त अभी आजकल इन्फ्लेशन का टाइम है और डॉलर महंगा है, तो हो सकता है आपको वो पैसे ज़्यादा लगें, लेकिन अगर अगर आप इस तरह की प्रोफेशनल फर्म्स के साथ लेकर चलते हैं तो वो आपका केस जो है वो अच्छा बना देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस हो चुका अच्छा रहा है तो इसलिए मैं उसकी बेस पे बात कर सकता हूँ। तो खैर उन्होंने मुझे हर चीज़ जो थी, जो भी लेटर किस किस्म की भी चीज़ थी, वो मेरी जो अटॉर्नी फर्म थी वो मुझे पहले वो बना के देती थी और मैं जस्ट प्रोफेसर्स को सेंड कर देता था कि आप इसके ऊपर साइन कर दीजिए इफ़ इट्स ईजी फॉर यू। तो लेटर हो बना बनाया हो, आपने जस्ट उसको अपने नोट पैड या लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करके सिर्फ साइन करने हैं तो वो कोई भी कर देता है। तो इसी तरह मेरे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने बड़े आसानी से, एक आधा प्रोफेसर शायद वो कहीं पे एक हफ़्ता उसको लग गया, बाकी उन्होंने एक दो दिन के अंदर ही उसको वो मुझे साइन करके वापस भेज दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त चल रहा है कम अज़ कम सितंबर अक्टूबर, और अब सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर ये पटिशन फाइनलाइज हो रही है। उन्होंने स्टार्ट में ही मुझसे समरी ऑफ कंट्रीब्यूशंस मांग ली थी कि मैंने जितने भी रिसर्च पेपर्स अभी लिखे हैं, जितनी भी रिसर्च की है जो कि पब्लिश हो सकती है, जिसके चांस है पब्लिश होने के, और फ्यूचर में मेरी रिसर्च की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके ऊपर एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव उन्होंने मुझसे एक डॉक्यूमेंट मांगा और मैंने उनको बना के दिया। इट वॉज़ इन मतलब कि वो सेम था साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी जो टेक्निकल लैंग्वेज में था और प्लेन लैंग्वेज में भी, तो दोनों चीज़ें, ताकि वो एक बैलेंस करके एक अच्छा डॉक्यूमेंट या एक अच्छी पटिशन जो है वो तैयार कर सके। अब ऐसा ऐसा टाइम गुजरता जा रहा है और वक्त है अब अक्टूबर का। अब अक्टूबर में हमने चीज़ें जो हैं उनको फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है। अब वो मुझे पटिशन जो है वो 80-90 पेजेस की उन्होंने गालबन अक्टूबर के एंड पे उसको फाइनलाइज कर दिया, और मैंने मतलब कि उसके लिए स्पेशली मैं चूँकि पाकिस्तान में था तो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल था कि इतने पेजेस को डेली प्रिंट करना। तो मुझे अभी तक याद है कि मैं चूँकि आई एम फ्रॉम दीपालपुर उकाड़ा, तो उकाड़ा गया और मैं वहाँ से एक प्रिंटर ही ले आया घर पे, तो फिर प्रिंट कर कर के उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पटिशन तैयार की थी। बल्कि उन्होंने ऐसे ऐसे रेफरेंसेस भी ऐड किए थे जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, ऐसी चीज़ें जो हम रिसर्च में अमूमन उनको साइट नहीं करते, लेकिन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक अच्छी पटिशन जो थी वो बड़े बड़े अच्छे जर्नल्स के रेफरेंसेस उन्होंने ऐड किए। तो मेरे लिए उनको डबल चेक करना जस्ट टू मेक श्योर, क्योंकि हम अमेरिका से पीएचडी करने के बाद और फिर इस तरह की खुद क्रिटिकल एबिलिटी रखने के बाद ऐसा होता है कि हम चीज़ों को डबल चेक करते हैं। तो इन शॉर्ट वो उसको डबल चेक किया हमने, और एक वीक समझ लें कि एक वीक में मैंने उसको हर चीज़, लेकिन उसमें बहुत कम चेंजेस थी, बहुत ही ट्रिवियल किस्म की, कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ गई या कोई इस तरह की चीज़ें, या कोई थोड़ी सी ग्रामर में कुछ थोड़ी सी सजेशंस मैंने दे दी। तो बार बार मैं उसको पढ़ता था प्रिंट करके लाइन बाय लाइन, ताकि अपनी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। और फिर जब वो फाइनलाइज हुई तो फिर उन्होंने मुझे एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि आप अगर आप चाहते हैं तो हम आपको प्रिंट करके दे देंगे, लेकिन उसके लिए हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो अपना थोड़ा सा मैथ अच्छा है तो मैंने जब उसको कैलकुलेट किया, मैंने कहा नहीं मतलब कि ये मेरे ख्याल में मुझे ये सारी चीज़ें करके और अटैचमेंट यहाँ से पाकिस्तान से पोस्ट करना ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि मैंने TCS को और लेपर्ड्स को और इस तरह की जो कंपनीज हैं उनको इंटरनेशनली जो मेल करती हैं उनको भी कॉल करके पूछ लिया कि कम से कम इतना वज़न होगा, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे और आप कितनी जल्दी पहुंचा सकते हैं और कितने पैसे लगेंगे। तो जो मैंने उसको कन्वर्जन किया डॉलर में तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट कम अमाउंट थे। खैर वो मैंने डॉक्यूमेंट जितने भी थी उसको प्रिंट किया, उन्होंने पेपर्स का मांगा हुआ था कि किस किस पेपर ने आपको साइट किया है। तो अभी अभी जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था तो 18 थी साइटेशंस, और दिसंबर तक वही साइटेशंस जो थी वो, या नवंबर दिसंबर तक वो 50 प्लस हो चुकी थी। नवंबर के मिड में जाके मुझे याद है कि मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सारे पोस्ट किए, वो हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर वो अमेरिका पहुँचे अटॉर्नी के ऑफिस में, उन्होंने डबल उसको चेक किया। फिर उन दिनों थैंक्सगिविंग की छुट्टियाँ भी थी, कुछ वो भी टाइम फेज आ जाता है, तो दिसंबर आ गया, और दिसंबर में फिर कोई एक दो दिन लेट करके इस तरह। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट डेट पूछते हैं तो वो 10 दिसंबर को USCIS के ऑफिस जो थी वो डिलीवर हो चुकी थी मेरी एप्लीकेशन। तो इसमें उन्होंने कुछ 3-4 दिन पहले उसको मेल को फॉरवर्ड किया और वो 10 दिसंबर को उन्होंने मुझे बताया, और बल्कि मुझे ट्रैकिंग आईडी दे दिया कि आप इसको ट्रैक कर सकते हैं।
मैंने उसको ट्रैक किया तो वो 10 दिसंबर की उसमें डेट थी कि उस दिन वो डिलीवर हो चुका है। अब USCIS के पास एप्लीकेशन पहुंचने के बाद फेज़ होता है कि वो रिसीव करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर जारी कर देते हैं। अब ये बात है 2020 दिसंबर की, जब प्रेसिडेंट बाइडन जो था वो इलेक्शन विन कर चुका था, कोविड भी था, अभी वो सिनेरियोज भी चल रहे थे, तो USCIS के पास जो था वो एक बहुत ज़्यादा बैकलॉग चल रहा था। तो मैंने जनवरी में फॉलोअप किया अपने अटॉर्नी से कि मेरे पास अभी कोई ऐसी एप्लीकेशन नंबर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया था स्टेप बाय स्टेप कि ये स्टेप्स होते हैं, तो मैं खुद भी इसलिए उनसे चेक करता रहता था। तो मैंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि चूंकि बैकलॉग है और USCIS से इतना ज़्यादा केस जो है वो अभी हैंडल नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट हमें USCIS की तरफ से मिलेगी हम आपको फ़ौरन आपके एप्लीकेशन नंबर के बारे में अपडेट कर देंगे। तो बस उसके बाद फिर 2021 स्टार्ट हो गया और मेरी भी पाकिस्तान में थोड़ी सी मसरूफियात हो गई। मैंने मतलब कि मिड 2020 में एज ए फ्रीलांस डेटा साइंटिस्ट काम करना शुरू किया पाकिस्तान में, तो फैमिली थी, लाइफ थी, तो उसमें बिजी हो गए। ये जो टाइम है जनवरी 2021 में, इसमें ऐसा था कि थोड़ा सा काम ज़्यादा मिलना शुरू हो गया और पैसे वैसे अच्छे बनना शुरू हो गए, तो मैं भी उसमें अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया, बल्कि अभी आगे से आगे प्लान बनना शुरू हो गए कि अब क्या करेंगे। इसी दौर में एक दो दोस्तों को पता चला NIW प्रोग्राम का और उनको किसी रेफरेंस के साथ पता चला कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो उन्होंने भी मेरे साथ रब्ता किया और मैंने उनको गाइड कर दिया, तो उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन जो थी ना वो अपना फॉलोअप करना या उसके बारे में या उसको प्रेप करना जो था वो स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ज़िंदगी में बाज़ात ऐसे पॉइंट्स या ऐसे हालात वाक़ात या ऐसे मोड़ आते हैं कि अगर आप वो मोड़ मुड़ जाएं या टर्न कर जाएं तो वो कुछ चीज़ें आपके फ़ायदे में भी हो सकती हैं, नुकसान में भी हो सकती हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ, मतलब कि मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा नहीं थी और मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी था, और क्योंकि मैंने अपने अटॉर्नी के ऊपर ये काम छोड़ा हुआ था, तो मुझे आज भी याद है कि मई 2021 में एक दिन मैं बैठा हुआ था तो अपने जो हमारा प्लांट पैथोलॉजिस्ट का इंटरनल स्लैक चैनल था तो उसके ऊपर ऐसे ही बस मैंने कहीं से खोला। कुदरतन जब आपके मतलब के हक में कोई बेहतरी आनी हो या कोई मोड़ मुड़ना हो आपने, तो उस पर मेरे जो एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट कोलीग थे उन्होंने एक पोस्ट डॉक की पोजीशन थी फेलोशिप की वो शेयर की हुई थी, मैंने उसको डाउनलोड करके देखा, तो मैंने कहा यार ये मज़ेदार चीज़ है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट चाहिए और फिर जिसमें उसको स्टैटिस्टिशियन भी चाहिए और जो आर पे प्रोग्रामिंग आती हो, तो मैंने कहा ये सारी 90-95% चीज़ें तो मैं फुलफ़िल करता हूँ। और ये पोजीशन थी इंग्लैंड में, एक्सिटर यूनिवर्सिटी है, और ये जॉइंट पोजीशन थी, जो दूसरा इसका फंडिंग एजेंसी थी वो एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट इन लंदन था, और जो कि एलन ट्यूरिंग बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हुआ है उसके नाम पे यूके गवर्नमेंट ने बनाया था रिसेंटली, तो उसकी डेट भी एक दो दिन ही थे उसमें। और जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ की एक खूबसूरत बात होती है कि वो इस तरह पलंदा जो है वो नहीं मांगते कि एप्लीकेशन आप ये भी दें हमें, उन्होंने बस दो चीज़ें मांगी हुई थी कि आपकी एक CV डिटेल्ड CV हो और दूसरा आपका जो है वो कवर लेटर हो। तो खैर मैंने वो एप्लीकेशन सेंड की और वो सबमिट करवा दी, तो ऐसा ऐसा उस पर भी काम चलता रहा। 15 जून को मेरा इंटरव्यू हुआ और 15 जून को ही उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया। अब यहाँ पे एक नया मोड़ आया कि मैं मतलब कि जॉब मैंने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि अब पाकिस्तान से भी निकलना चाहते थे लेकिन अभी USCIS के ऊपर भी एप्लीकेशन हमने डाली हुई थी NIW प्रोग्राम की, तो मैंने अपने अटॉर्नी को अपडेट किया कि इस तरह मैंने एक जॉब एक्सेप्ट की है इंग्लैंड में, तो आया कि मतलब कि मैं आपको अपडेट करना चाहता था, और दूसरा ये है कि मेरा केस के बारे में एप्लीकेशन नंबर अभी तक मुझे नहीं मिला, जो कि बड़ी एक बेसिक चीज़ होती है और आपको फ़ौरन मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास जो है वो USCIS की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो बाकी ये है कि आप अगर आप मूव करें किसी जगह में, तो अगर आप इसका मतलब है कि अगर आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं चाहे जहाँ भी दुनिया की मर्ज़ी कोने में जाएं, लेकिन आपने हमें लाजमी विद इन 10 डेज़ अपडेट करना है ताकि हम USCIS को आपके एड्रेस के बारे में अपडेट कर सकें। दैट्स फाइन। खैर टाइम गुजरता गया, मैं अब और चीज़ों में बिज़ी हो गया। इसी दौरान मैंने बल्कि पाकिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट्स थे, एक डेयरी का प्रोजेक्ट था वो भी शुरू किया, जो कि वो भी दरमियान में छोड़ के फिर भागना पड़ा या निकलना पड़ा पाकिस्तान से। सितंबर में मेरा वीज़ा मुझे मिला और मैंने तैयारी कर दी UK जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक नया मतलब के मोड़ आता है, वो ये है कि जिस दिन मैंने फ़्लाई करना था, अब इन्हीं टाइम में जब मैं बिज़ी था तो मेरे जो एक दो दोस्त मुझे जानते थे जिन्होंने खुद भी NIW के लिए अप्लाई कर रखा था, तो अगस्त में उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा कि मौसम भाई आपका केस कहाँ तक पहुँचा, तो मैंने बताया कि इस तरह अभी कोई अपडेट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने अटॉर्नी को दोबारा पुश करें कि आपको कोई नंबर जो है वो USCIS को कॉल करके जो है वो ले के दे। खैर मैंने उनको दोबारा ईमेल की तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास चूँकि अपडेट नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें
इस वक्त तक हमारे पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम USCIS को अपना कोई लेटर लिखते हैं। अब वो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन अटॉर्नी को पता था। मैंने कहा हाँ हाँ बस ठीक है, उसको ना फॉलोअप करें। उन्होंने फॉलोअप किया, वो एक आध महीने के अंदर हमें उनका जवाब आया USCIS का। तो सेप्टेम्बर के एट सम पॉइंट इन सेप्टेम्बर, मुझे अर्ली इन सेप्टेम्बर, तो मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर मिल गया। अब जब मैंने NIW के लिए अप्लाई किया था स्टार्ट में, तो मैंने उस वक्त USCIS के एक साइन अप किया था अकाउंट के लिए। अब उस वक्त मेरे पास एप्लीकेशन नंबर नहीं था, तो मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन इतना मुझे हौन हो थी कि अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर हो और आप इस पर अपडेट कर दें, तो आपके केस के ऊपर जितने भी अपडेट्स हैं आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। USCIS जैसे कोई डिसीजन लेता है तो आपको फ़ौरन ईमेल आ जाएगी अपडेट की शक्ल में। खैर मुझे वो नंबर मिला, तो किसी पॉइंट पे मैंने वो अपनी दोबारा अकाउंट खोला, उसको एप्लीकेशन नंबर डाल दिया ताकि अगर कोई अपडेट हो तो वो मुझे पता चल जाए। अब ये टाइम चल रहा है सितंबर। अब सितंबर के एंड तक मेरा UK का जो वीज़ा है वो भी मुकम्मल हो चुका है। अब मैं UK जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो जिस दिन, अब ये अक्टूबर आ गया, तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अब जिस दिन मैंने UK के लिए निकलना है उससे 3 दिन पहले, मैं शाम में, मुझे आज भी याद है, मैं बाहर वॉक कर रहा था अपने गाँव में, तो मुझे ईमेल आती है कि आपके केस के ऊपर कोई USCIS ने डिसीजन लिया है। बस इतना करके, उसमें कोई नहीं बताया कि आपका अप्रूव हुआ है या डिसअप्रूव हुआ है। तो मैं अगर वॉक करने के बाद घर गया, चाय पी रहा था, तो मैंने फ़ौरन लैपटॉप खोला और उसमें देखा, तो उसमें लिखा हुआ था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर केस हैव बीन अप्रूव्ड। अब मेरे लिए वो खुशी की बात तो थी, और दूसरा ये था कि मैं अभी 3 दिन के बाद जो था वो UK के लिए निकल रहा था। अब आगे क्या प्रोसीजर होगा इसका, इससे भी मैं ना वाकिफ था। खैर मैंने ये चीज़ अपनी वाइफ के साथ शेयर की, और अब चूँकि तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, तो मैं एक मरतबा तो UK के लिए चला गया, और मैं वेट करता रहा कि कब मेरी अटॉर्नी जो फर्म है वो मुझे बताएगी कि आपका केस अप्रूव हुआ है। मैं वहाँ पर पहुँचा, ये उन दिनों की बात है जब क्वारंटीन चलता था। तो अभी मैं पहुँच के, तो मैंने अब 4 से 5 दिन के बाद जब तक मैंने नहीं सुना अपने अटॉर्नी से, तो मुझे तजस्सुस हुआ, तो मैंने भी ईमेल डाल दी दोबारा कि उनको बताने के लिए कि इस तरह केस मेरा अप्रूव हो गया और मैं रिसेंटली मूव हो गया हूँ UK में। तो अभी करंट जो मेरा एड्रेस है वो ये है। उनका एक ही दिन के बाद ईमेल आ गया कंग्रेचुलेशंस का। तो उन्होंने कहा कि हमें अभी चूँकि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी ईमेल नहीं आई थी, तो इसलिए हम आपको वो बता नहीं सके। बाकी ये कि आपने अच्छा किया, आपने अपना एड्रेस हमें बता दिया, तो हम इसको अब अपडेट कर देंगे। अब NIW की जो एप्लीकेशन थी वो मैंने डाली तो पाकिस्तान से थी, और मैंने वीज़ा का वेन्यू भी जो था या जो फर्दर आगे फाइनल जो प्रोसीजर थे उसका वेन्यू जो पाकिस्तान को बताया था, और अब मैं UK मूव हो गया था। तो मैंने फ़ौरन ही अपने अटॉर्नी के साथ ये कम्युनिकेट किया कि इज़ दिस पॉसिबल कि मैं अपना केस जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ UK जो लंदन एम्बेसी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो ये टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, और मैंने फ़ौरन से अपना जो था उनसे कहा कि ठीक है हम इसके लिए प्रोसीड करते हैं। अभी NIW के अप्रूवल के बाद 2 चीज़ें होती हैं। अगर तो आपने एप्लीकेशन डाली है US में रहते हुए, तो वो है फॉर्म एक 485 करके। तो उसमें ये होता है कि आप अपना एडजस्टमेंट ऑफ जो स्टेटस है उसके लिए अब आप अप्लाई करते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव अप्लाइड आउटसाइड द US, तो आपके लिए IVP प्रोसेस जो है, इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग, उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। अब मैं चूँकि आउटसाइड द US था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ था। पहला जो मेरा वेन्यू था वो इस्लामाबाद एम्बेसी था। अब मैं चूँकि UK में था, तो फिर मैंने उसको लंदन एम्बेसी करवा लिया। तो उस प्रोसीजर के लिए अटॉर्नी ने मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड किया। उसने कहा कि देखो ये प्रोसीजर जो है, ये एप्लीकेशन है, फाइनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप खुद भी कर सकते हो, हम आपको एक पैकेज दे देंगे, आप उसको फॉलो कर लो। अब मैं नया नया वहाँ मूव हुआ था, तो मैंने कहा पता नहीं कितना टफ मेरा मतलब कि रिसर्च वर्क होगा, तो आप बताओ कि आप कितने पैसे इसके लिए चार्ज करोगे। उन्होंने अपना मतलब कि मुझे वो चार्जेस बताए। उन्होंने जब मुझे अपने चार्जेस बताए, तो मैंने देखा कि ये आई कैन बियर एक्चुअली, और अब चूँकि मैं जॉब पे हूँ तो मैं इनको पे कर सकता हूँ। तो खैर मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं आपके साथ प्रोसीड करना चाहूँगा, और मैंने मतलब उनके साथ प्रोसीड किया, ताकि मैं चाहता था कि जितना जल्दी हो सके केस वो, इससे पहले कि वो वेन्यू जो है वो मुझे इस्लामाबाद एम्बेसी दे, तो मैं उससे पहले जो है वो लंदन एम्बेसी को जो है वो मूव कर लूँ। खैर मेरे अटॉर्नी ने जो था वो जल्द अज़ जल्द जो था वो उनको एप्लीकेशन लिखी, और वो उन्होंने लेकिन उससे पहले मुझे एक लेटर मिल चुका था जो नेशनल वीज़ा सेंटर NVC की तरफ से, वो मुझे जो नंबर मिला था वो इस्लामाबाद का ही था। लेकिन उन्हीं दिनों उनको फिर एप्लीकेशन हमारी पहुंच गई वेन्यू चेंज करने के लिए इंटरव्यू का, तो वो लंदन एम्बेसी आया, तो वो उन्होंने प्रूव कर दिया। तो ये एक अच्छी बात थी। अब मैं जो आगे समझता हूँ कि मेरा केस जो एंड प्रोसेस पे पाकिस्तान से निकलना और
इस्लामाबाद एम्बेसी की बजाय मेरा लंदन एम्बेसी के साथ प्रोसीड करना, वो टाइम का एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टाइम का इस लिहाज से कि यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन जो है वो फिर, बल्कि मुझे खुद ही थोड़ा सा मैं स्लो डाउन हो गया जब हमने इसके साथ प्रोसीड किया, तो नेशनल वीज़ा सेंटर ने आप डॉक्यूमेंट्स मांगे फाइनल, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट थे, तो जैसे जैसे वो कम्युनिकेट करते थे मेरे अटॉर्नी के साथ, वो मेरा अटॉर्नी मुझे आगे बताता था, तो मैं उनको एक डॉक्यूमेंट जो थे वो उनको अवेलेबल कर देता था। खैर वक्त गुजरता गया, अब मेरे अटॉर्नी ने जो डॉक्यूमेंट एनवीसी ने उनसे मांगा वही मेरे अटॉर्नी ने मुझे कहा, तो मैंने उनको वो अवेलेबल कर दिया, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या और भी जो मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है क्रिटिकल अब लास्ट प्रोसेस के लिए। तो ये बीच में हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस भी चलती रही, उन्होंने मुझसे एक डिटेल फॉर्म फिल करवाया जो कि अब अगेन चूँकि मैंने उनको पे किया था तो उन्होंने अपना एक सेपरेट फॉर्म जो था वो मुझे सेंड किया, और मेरे बिहाफ पे उस फॉर्म को डबल चेक करते हुए उन्होंने जो एप्लीकेशन थी वीज़ा के लिए DX 260 की, वो उन्होंने उसको अप्लाई किया, और अप्लाई करने से पहले वंस अगेन उन्होंने मुझे रिव्यू के लिए भेजा और उन्होंने कहा कि अब एंड पर प्रोसेस पे आप इसको खुद ही सबमिट करेंगे। ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमने पहले की हुई थी जब हमने फुल ब्राइट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इस तरह एक रिव्यू करना और एंड पे आपके पास ये एबिलिटी होना कि आप खुद कर सकते हैं, ये मेरे लिए एक नई चीज़ें थी जो कि बहुत अच्छी थी, और इसमें गलती के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि आपका अटॉर्नी उसको लाइन बाय लाइन जो है वो फर्म जो है वो चेक करती है। मैंने वो एप्लीकेशन हमने सबमिट करवा दी और कुछ ही देर के बाद जो था वो एनवीसी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स भी उनको भिजवा दिए, उनके बाद दोबारा उनकी 2 हफ्ते बाद ईमेल आ गई कि आपका पुलिस सर्टिफिकेट हमें चाहिए यूके की तरफ से, क्योंकि आपको अब वहाँ से ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए रहते हुए, और पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो ये थोड़ी सी बचत होगी। हालांकि मैंने वहाँ से भी ऑलमोस्ट बनवा लिया था लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, और चूँकि आप उससे पहले आप यूएस में रह चुके हैं तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वैसे ही रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी बचत होगी। लेकिन अगर आप में से कुछ दोस्त जो हैं वो मल्टीपल कंट्रीज़ में रह चुके हैं पिछले कुछ सालों में और आपने 6 माह से ज़्यादा वक्त गुजारा एक जगह पे, तो आपको वहाँ से वो शायद सभी के लिए वो मांग सकते हैं। वक्त गुजरता गया और विद इन अ मंथ आई गेस मुझे पहली उनकी तरफ से ईमेल आई कि आपका वीज़ा इंटरव्यू जो है वो लंदन एम्बेसी में था और वो जुलाई के लिए स्केड्यूल हुआ था, तो मैंने उसके लिए फिर डॉक्यूमेंट जितनी भी थी उन्होंने मुझे, अटॉर्नी ने मुझे बिल्कुल हर स्टेप पर गाइड किया, और उन्होंने बल्कि और उसके लिए चीज़ें जो थी वो प्रिपेयर की, क्योंकि मैं J1 वीज़ा पे पढ़ के गया था तो मेरे लिए 2 साल की रेजिडेंसी वो भी मैं फुलफ़िल कर चुका था, लेकिन उन्होंने मज़ीद मुझे कोई 1,000 लेटर जो था 3-4 पेजेस का वो लिख के दिया और उसमें मेरी सारी एंट्री डेट्स और एग्ज़िट डेट्स को बना के और बता के कि ये टाइम जो है वो कैंडिडेट जो है उन्होंने और उसके स्पाउस ने मुकम्मल किया है पाकिस्तान में। तो खैर फाइनल दिन हम लंदन पहुँचे, उससे पहले हमारा एक मेडिकल था तो वो भी आसानी से हमें लंदन में ही करना पड़ा, तो वो भी उधर प्रोसीड हो गया और उसके लिए भी कोई इतनी ज़्यादा हमें तगोदो नहीं करनी पड़ी। कुछ सर्टिफिकेट्स जो हम प्रोड्यूस कर सके वैक्सीनेशंस के वो हो गए, तो उसके बाद 2-3 जो यूके बींग यूके रेजिडेंट की रिक्वायरमेंट्स थी तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पे करके दोबारा वो शॉट्स लेने पड़े। अगर आप डिफरेंट कंट्री से उसको प्रोसीड कर रहे हैं तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली डिफरेंस होंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन की और कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। खैर उसके बाद इंटरव्यू डे, तो वहाँ पहुँचे, अब मेरे पास एक बड़ा सारा जो था वो पैकेज डॉक्यूमेंट्स का सारा, अपनी पब्लिकेशन जो भी था जो मैं लेके जा सकता था हर चीज़, और अटॉर्नी की एक गाइडेंस थी, उन्होंने लिस्ट मुझे बना के भेजी थी और वो अपने एक्सपीरियंस से चुके बात करते हैं कि हमारे पास उनको पता होता कि कैंडिडेट्स जो हैं और कैंडिडेट जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैंने भी उनके साथ शेयर किया तो वो एक अच्छा आपको गाइड जो है वो कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ हम पहुँचे और बहुत ही ब्रीफ इंटरव्यू, मुझे लगता था कि शायद, मैंने भी चूँकि कुछ वीडियोस देखी हैं, आप भी डेफिनेटली जो लोग इसको प्रस्यू कर रहे हैं वो देखेंगे, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो कि वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। हम लोग गए लंदन एम्बेसी, ऐसा नहीं था कि जिस तरह पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी है, बड़ा ही लाइट माहौल था, एक एयरपोर्ट टाइप स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ लैपटॉप अंदर नहीं जाने देते या कोई ऐसी डिवाइस टैब टाइप, लेकिन मोबाइल थे तो हमारे पास, हमारे साथ बच्चे भी थे और उनको हमने मोबाइल पर इंगेज किया और कैफेज़ बने हुए हैं, तो हम जिस सेक्शन पे गए वहाँ पे एक साइड पे इमिग्रेशन वीज़ा के काउंटर्स थे, एक साइड पे नॉन इमिग्रेंट्स जो के विजिटर वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा के काउंटर्स हैं, सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा वाली साइड पे जो था वो रश था। इमिग्रेशन में हम एक ही हमारी जो फैमिली थी वही बैठी हुई थी, तो 8:30 बजे का टाम था, आई रिमेंबर कि 8:30 भी नहीं हुए, 8:26 पे वो ऑफिसर जो काउंसलर है वो आया, वो साथ में वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो उसने कहा कि कम ऑन सर, तो डॉक्यूमेंट्स लिए उसने
तो उसने कहा कि आप बैठे हैं, आपको अभी कॉल करेंगे। तो गालबन 10-15 मिनट के बाद एक और लेडी आ गई है, यंग काउंसलर, तो उसने बुलाया। मेरी वाइफ बल्कि बच्चों के साथ एंगेज थी, तो मैं पहले गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि अपनी वाइफ को भी बुला लें। और उससे मेरी इससे पहले कि मेरी वाइफ आती, तो उसने मुझे उन्होंने कहा कि आप ओथ ले लें हाथ खड़ा करके कि जो कहेंगे सच कहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो मुझसे उन्होंने एक दो सवाल किए हैं कि किस फील्ड में है और आपका क्या स्कोप है, कहाँ पर आगे जाएँगे। तो मैंने उनको बताया कि मेरे इस तरह इंटरव्यूज़ एक दो हो चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली शायद हम लोग मिड वेस्ट में मूव करें क्योंकि मैं वहीं से ग्रेजुएट होकर आया हूँ और इट्स लाइक होम। उतने में मेरी वाइफ भी आ गई, तो उनको भी उन्होंने यही कहा है कि आप ओथ ले लें कि जो कहेंगे सच कहेंगे। लेकिन उसके बाद मेरी वाइफ से शायद कोई एक आधा सवाल किया जो अभी मेरे जहन में नहीं है। और ऑल ऑफ द सडन उन्होंने कहा है कि कंग्रेचुलेशन, योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड। और मैं यकीन माने, मैं पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा सा बौखला गया कि हैं कि ये क्या हुआ। फिर मैंने कंफर्म किया कि, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब कि कंग्रेचुलेशन, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स आप रख लें, ये डॉक्यूमेंट्स उसमें आपके पासपोर्ट्स हैं, ये आपको इसी हफ्ते के एंड में मेल में आ जाएंगे वीज़ा लग के। हमने खैर वो गुड बाय कह के हम लोग निकले। अब मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा, आज भी मैं चीज़ें यही याद करता हूँ कि ये हुआ क्या, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि मुझे 4 से 5 माह में कोई सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के बाद जो है वो जाके वीज़ा इशू होगा। लेकिन इन तमाम ख्यालात और बातों के बरक्स ऑन द स्पॉट जो था वो मुझे वीज़ा मिलना, ये मेरे लिए बड़े हैरानगी की। और आई वॉज़ लकी इनफ, क्योंकि इससे पहले मैं जब स्टूडेंट वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया था 6-1 के लिए, तो वो मुझे 26 से 27 दिन के बाद वीज़ा मिला था पाकिस्तान, जो इस्लामाबाद एम्बेसी है वहाँ से। खैर हम बाहर निकले एम्बेसी से, तो अब हमने अपने ट्रेन स्टेशन की तरफ दोबारा वॉक करना शुरू किया। तो अभी भी समझ नहीं आ रही चीज़ें कि क्या किया जाए और अभी क्या हुआ क्या हमारे साथ। तो कोई एकदम से, और मेरी अभी वहाँ पे जॉब चल रही है, तो खैर वापस हम अपने शहर एग्जिटर पहुँचे। और 2 से 3 दिन के मैक्सिमम के बाद मुझे मेल में पोस्टमैन आया, तो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए, मेरा आईडी कार्ड देखा, रेजिडेंट कार्ड जो था यूके का कंफर्म करके लिए, क्योंकि सेंसिटिव डॉक्यूमेंट थे। तो बीच में बड़े बड़े इन्वेलप्स जो थे वो सील्ड इन्वेलप्स थे कि आपने ये नहीं खोलने, और ये आपके पासपोर्ट सेपरेट थे और सील्ड इन्वेलप्स सेपरेट थे। तो मैंने पासपोर्ट्स ओपन किए, वीज़ा देखा, तो वो हर चीज़ चेक की और अपने अटॉर्नी को फ़ौरन बताया कि इस तरह हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो बड़ा ज़बरदस्त। तो बस उन्होंने भी अगले स्टेप से हमें आगाह किया कि अब आपने ये करना है। तो बस उसके बाद फिर 6 मंथ का टाइम था US में एंट्री के लिए, तो मैंने अपने कोलीग्स के जो जिनके साथ मैं काम करता था उनके साथ शेयर किया और फिर अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो ये था मेरा NIW का एक्सपीरियंस। अगर आप में से कुछ दोस्त जो हैं वो एडवांस डिग्री होल्डर्स हैं, जैसा कि PhD है और साइंस में उनकी काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशंस हैं, पब्लिकेशंस अच्छी हैं, साइटेशंस अच्छी हैं, और वो ख्वाहिशमंद हैं कि वो US मूव करना चाहें इस राउट पे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। चाइना और इंडिया के अलावा बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं वो उनकी जो स्टेटस होता है वीज़ा का वो करंट होता है, इसका मतलब है कि वो बैकलॉग में नहीं जाते। और जो हमारे दोस्त हैं चाइना से अप्लाई करते हैं, चाइनीज़ जो नेशनैलिटी होल्डर हैं या इंडियन नेशनैलिटी होल्डर हैं, उनका काफ़ी बैकलॉग है कि जो आज अप्लाई करेंगे वो शायद उनको 10 साल बाद जाके उनको मौका मिलेगा। आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, लेकिन आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बैकलॉग ओवरऑल जो है वो उनका इतना ही है। पाकिस्तान हम चूँकि किसी वो खाते में नहीं आते और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरह, तो वो उनके लिए हमेशा ये चीज़ें ओपन रहती हैं। हाँ, टाइम वेरी कर सकता है, टाइम फ्रेम जो है, चूंकि आप कंट्री टू कंट्री, अभी मुझे नहीं पता कि अगर मैं इस्लामाबाद के साथ ये चीज़ें फॉलो करता तो अभी शायद आज मैं पाकिस्तान में ही होता, क्योंकि वहाँ पे और सिस्टम है। मैंने चूंकि प्रोसीड किया था लंदन से आके दोबारा अपना वीज़ा, तो वहाँ से शायद बहुत कम लोग हैं जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं US में। और मैंने जैसे आपको बताया कि उस दिन चूँकि सुबह पहला टाइम भी हमें मिला था, तो गलबन हम आधा घंटा तो ठहरे होंगे, तो 4 से 5 उनके काउंटर थे इस सेक्शन में, लेकिन वहाँ पे कोई भी मौजूद ही नहीं था और हमारे अलावा, तो इसलिए वो काफ़ी मतलब लाइट माहौल में वो वीज़ा जो था वो इंटरव्यू हुआ। और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मे बी आई कैन आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस। टेक्निकलिटीज़ में मैं शायद हेल्प नहीं कर सकूँगा, उसके लिए आप डिफरेंट फर्म्स चेक कर सकते हैं कि कौन सी फर्म आपके लिए सूटेबल रहेगी। बाकी कोई जनरल क्वेश्चन हो एंड इफ़ आई रिमेंबर और मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर आपको जो है वो रिप्लाई करूँगा कॉमेंट्स में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।